खबर प्रयागराज से है, जहां 16 विदेशी जमातियों सहित 30 जमातियों को शाहगंज व करेली पुलिस द्वारा 21 अप्रैल को धारा 188, 269, 270, 271, 120 PIPC व 3 महामारी अधिनियम 1897 व 14 सी विदेशियों अभिषेक अधिनियम 1946 में जेल भेजा गया है। प्रयागराज के सभी जमातियों ख्वाजा सबीउद्दीन, डॉक्टर मसीउल्लाह खान, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद वसीम, रिजवान उल हक, मोहम्मद मुस्तफ़ा व इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद साहिद की जमानत सद न्यायालय द्वारा 2 जून को तथा करेली से इमाम उजेफा की 19 मई को स्वीकार की जा चुकी है। वहीं थाईलैंड के 11 सदस्यीय जमात के साथ तमिलनाडु के निजामुद्दीन व केरल के राशिद की जमानत उनके अधिवक्ता SA नसीम गुड्डू की दलीलों को सुनकर प्रभारी मजिस्ट्रेट JM चतुर्थ ने स्वीकार कर ली तथा दोनों जमाती जमानत दाखिल करने पर रिहा हो गए। उक्त प्रकरण में सभी आरोपियों को खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हो चुका है, जिनमें इन दोनों जमातियों के खिलाफ विदेशी अधिनियम विलोप कर दिया गया है। 21 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद जनपद से 9 थाईलैंड निवासी और 7 इंडोनेशिया निवासियों के साथ 4 दूसरे प्रदेशों के लोगों के साथ लगभग 30 लोगों को जमातियों के नाम पर जेल भेजा गया था। इन पर धारा 188, 269, 270, 271, 120 बी IPC के साथ साथ 3 महामारी अधिनियम व 14 बी व 14 सी विदेशियों विषयक अधिनियम में चालान किया गया था। इनमें से प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद, ख्वाजा सबीउद्दीन, डॉक्टर मसीउल्लाह व 9 लोगों की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी थी। साथ ही साथ करेली से चालान किए गए इमाम उजैफा की जमानत भी जो है सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी थी, लेकिन आज इसमें से 2 दूसरे प्रदेशों के तमिलनाडु के निजामुद्दीन व केरल के रशीद की जमानत आज मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई है और इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इसे नसीम एडवोकेट। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।